स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे किस चीज पे, हिमेटोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर किस चीज के ऊपर। टुडेज लेक्चर ऑन एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रो का मतलब है आरबीसी और पोइसिस का मतलब है उसका बनना। मतलब क्या है कि अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर आरबीसी जो सेल है, रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट, किस तरीके से फॉर्म होती है, कौन सी उसके अंदर स्टेज आती है और कितना मैच्यूरेशन में टाइम लगता है, वो सारी चीजें आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार पीछे के लेक्चर को क्या है समराइज कर लें या फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो क्या था सेलुलर कंपोनेंट, एरिथ्रोसाइट या एरिथ्रोसाइट का इंट्रोडक्शन, मतलब आरबीसी का इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा था पीछे के लेक्चर में। पीछे के लेक्चर में आपने डिस्कस किया था क्या एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या उसकी स्ट्रक्चर है, क्या उसकी फॉर्म है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या देखा था आपने, दीज आर बाइकॉनकेव नॉन न्यूक्लिएटेड एंड डिस्क लाइक सेल। मतलब बाइकॉनकेव मीन्स उभयावतल, नॉन न्यूक्लिएटेड मीन्स इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, एंड डिस्क लाइक सेल यानी इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, डिस्क के जैसी, एक सीडी ड्राइव में डिस्क जो अपन इंसर्ट करते हैं उसके जैसी। नेक्स्ट The central area is thin and edge thick, मतलब इसका जो बीच का एरिया है सेंटर का वो क्या है, थिन यानी पतला, और एज जो किनारे हैं वो कैसे हैं, मोटे। A typical human red blood cell has a disc diameter, मतलब जो humans की red blood cell है, एक cell उसका diameter वो कैसी होती है, उसकी structure disc के जैसी, और उसका diameter कितना होता है, approximately 6.2 to 8.2 micrometer, और अगर आप एवरेज लोगे तो कितना, 7.2 माइक्रोमीटर। एट ए थिकनेस एट द थिकेस्ट पॉइंट ऑफ एज, मतलब क्या है कि जिस पॉइंट पे क्या है थिकनेस यानी क्या है उसके किनारों पे क्या है, जहां पे वो मोटी है उसकी डायमीटर कितना है, उस मोटाई का डायमीटर कितना है एज किनारे का, तो 2 to 2.5 माइक्रोमीटर। एंड मिनिमम थिकनेस इन सेंटर ऑफ 0.8 to 1.0 माइक्रोमीटर ऑफ आरबीसी। और क्या है कि जो बीच का डायमीटर है जहां पे क्या है आरबीसी बिल्कुल पतली है वो कितना है, 0.1 से 1 माइक्रोमीटर ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट क्या था, द एज कंटेन्स हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल दैट कैन बाइंड ऑक्सीजन, यानी आरबीसी के जो एज है किनारे हैं वो क्या रखते हैं, कंटेंट्स हीमोग्लोबिन यानी आयरन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल, मतलब हीमोग्लोबिन किससे बना है, आयरन से बना है, दैट कैन बाइंड ऑक्सीजन। और हीमोग्लोबिन किसको बाइंड करने की कैपेसिटी रखता है, आयरन को, और एक हीमोग्लोबिन में कितने, 4 आयरन के मोलिक्यूल होते हैं और वो कितने ऑक्सीजन के मोलिक्यूल बाइंड कर सकता है, 4। नेक्स्ट लाइन में क्या है, हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ आरबीसी एंड ब्लड, यानी हीमोग्लोबिन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है यानी जिम्मेदार है, फॉर द रेड कलर ऑफ आरबीसी यानी आरबीसी के रेड ब्लड सेल के लाल रंग के लिए कौन जिम्मेवार है, हीमोग्लोबिन, और ब्लड के रेड कलर के लिए भी कौन जिम्मेवार है, हीमोग्लोबिन। द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, यानी जो आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन वो किन चीजों से बनी है, लिपिड से और प्रोटीन से। नेक्स्ट द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड डोनेन, और आरबीसी की जो बाहर की मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं, डोनेन। नेक्स्ट ईच ह्यूमन आरबीसी कंटेन्स 270 मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन, यानी प्रत्येक ह्यूमन की आरबीसी कितने, 270 मिलियन मॉलिक्यूल किसके रखती है, हीमोग्लोबिन के। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल केयर फॉर हीम यानी आयरन ग्रुप, और प्रत्येक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरिस्मिन रखता है किसको, फॉर हीम को यानी 4 आयरन ग्रुप को, यानी एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 गाय आयरन के ग्रुप होते हैं या 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट ह्यूमन ब्लड सेल टेक एन एवरेज 60 सेकेंड टू कम्प्लीट 1 साइकिल ऑफ सर्कुलेशन, और ह्यूमन की जो ब्लड सेल्स हैं जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट वो ह्यूमन बॉडी का पूरा सर्कुलेशन यानी कंप्लीट राउंड लगाने में कितना टाइम लेती है, 60 सेकंड। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है आरबीसी की, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.090 जीएम पर एमएल, यानी ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी किसकी है, आरबीसी की है, 1.09
से ग्राम पर ml, इसीलिए क्या है आरबीसी के ऊपर ग्रेविटी फोर्स ज्यादा लगता है और ब्लड के अंदर जल्दी वो सेडिमेंट होती है, बॉटम में बैठती है। नेक्स्ट, और नॉर्मल रेंज ऑफ आरबीसी, कि उसकी नॉर्मल रेंज क्या है। अगर वोमेन्स में देखें तो 4.5 टू 5.0 मिलियन पर क्यूबिक, यानी कितनी है 4.5 से 5.0 मिलियन पर क्यूबिक। और अगर मेंस में देखें तो 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक है। मेल्स के अंदर क्या है, इसकी काउंट ज्यादा होते हैं क्योंकि फीमेल्स के अंदर क्या चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिस वजह से उसमें एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो जाती है और काउंट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। एवरेज लाइफ स्पान ऑफ एन अडल्ट आरबीसी 120 डेज, यानी एक आरबीसी का जो एवरेज लाइफ स्पान है ह्यूमन के अंदर वो कितने दिन होता है, 120 दिन। उसका जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का। आरबीसी डेवलपिंग फ्रॉम कमिटेड स्टेम सेल टू मैच्योर रेड ब्लड सेल इन अबाउट 7 डेज। आज के लेक्चर में यही पढ़ेंगे अपन कि वो स्टेम सेल से आरबीसी रेड ब्लड सेल के अंदर डेवलप कैसे होती है। इसके अंदर देखिए, आरबीसी डेवलपिंग फ्रॉम, यानी आरबीसी किससे डेवलप होती है, कमिटेड स्टेम सेल से टू मैच्योर रेड ब्लड सेल, किसमें मैच्योर होती है, यानी परिपक्व होती है रेड ब्लड सेल में। और इस प्रोसीजर में टाइम कितना लगता है, इन 7 डेज, यानी 7 दिन। दिस प्रोसेस हैपनिंग बोन मैरो ऑफ लार्ज बोन, और यह प्रोसेस है यानी घटना है वो किसमें होती है, बोन मैरो के अंदर होती है, किसके बोन के, लार्ज बोन के। नेक्स्ट, वेहन आरबीसी लाइफ साइकिल कंप्लीट, यानी जब क्या है कि आरबीसी का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल मीन जीवन चक्र कंप्लीट, यानी पूरा हो जाता है 120 दिन। इट वेयर इट ट्रांसफर टू स्प्लीन, तो उसको किसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है, स्प्लीन में, यानी प्लीहा में। वहां पे क्या होता है, वेहर ब्रेक्स आरबीसी रेड ब्लड सेल एंड टेक्स आउट हीम, जहां पे क्या है आरबीसी को ब्रेक यानी तोड़ दिया जाता है और उसके अंदर से जो आउट यानी टेक्स आउट मीन्स बाहर निकाल लिया जाता है, क्या, हीम आयरन। यानी जब उसका जीवन चक्र कंप्लीट हो जाता है तब उसको किसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है, स्प्लीन में, जहां पे आरबीसी का ब्रेक डाउन होता है और उसमें से आयरन को बाहर निकाल लिया जाता है, यानी रिसाइकिल कर लिया जाता है, वापिस यूज कर लिया जाता है। लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी आरबीसी के सर्कुलेशन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, बहुत ही कम। नेक्स्ट है आरबीसी का डायग्राम, जिसके अंदर आप देख रहे हो क्या है, उसकी शेप कैसी है, बाइकॉनकेव, यानी उभयावर्तल, बीच में से तो बिल्कुल चपटी और कोनों पे से क्या है, उभरी हुई। कोनों पे से उभरी हुई इसलिए होती है कि उसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट जमा हुआ होता है, एक्यूमुलेट होता है। नेक्स्ट है डायमीटर, आप देख रहे होंगे उसका डिस्क जो पूरा राउंड डायमीटर है वो कितना दिखाया गया, 7.5 या 7.2 माइक्रोमीटर, और उसके एज किनारे का डायमीटर कितना है, 2.0 माइक्रोमीटर, और बीच का टाइम यानी जहां पे क्या है सबसे पतली है, थिन है सेंटर एरिया, वो कितना होता है, 1.0 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ आरबीसी, देयर मेन फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब रेड ब्लड सेल का सबसे मुख्य फंक्शन क्या है, कि वो ह्यूमन बॉडी में गैसेस को ट्रांसफर करती है, जैसे कि ऑक्सीजन को कहां से कहां ट्रांसफर करती है, जब अपन इंस्पिरेशन रेस्पिरेशन में, मतलब कि इंसिनरेशन रेस्पिरेशन में, जब अपन गैसेस को ह्यूमन बॉडी के अंदर लेते हैं, लंग्स के अंदर भर लेते हैं, तो उनको वो लंग्स से उत्तक तक पहुंचाने का काम कौन करती है, आरबीसी करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू टू लंग्स तक, यानी उत्तक से वापिस कहां पर, लंग्स तक लेके आने का काम भी कौन करती है, रेड ब्लड सेल करती है। इम्पेयर्ड इन हिमोलाइटिक एनीमिया, यानी हिमोलाइटिक एनीमिया के अंदर आरबीसी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। मेंटेन आयरन बैलेंस, यानी आयरन का जो बैलेंस है, आयरन मॉलिक्यूल्स का जो बैलेंस है ह्यूमन बॉडी में, उसको मेंटेन करने का काम भी करती है कौन, रेड ब्लड सेल, क्योंकि जब उसका जीवन चक्र कंप्लीट हो जाता है तो उसको ब्रेक डाउन करके उसके अंदर जो आयरन के मॉलिक्यूल होते हैं उनको रिसाइकिल कर लिया जाता है, और रिसाइकिल करके उनको क्या है, रीयूज कर लिया जाता है, यानी वापिस काम में लिया जाता है उस आयरन को। नेक्स्ट, मेंटेन एसिड बेस बफर इन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब है ह्यूमन बॉडी का इनसाइड का एनवायरनमेंट, यानी अंदर का जो एनवायरनमेंट, ह्यूमन बॉडी के अंदर एसिड और बेस का जो बैलेंस है उसको भी मेंटेन करने का काम करती है, क्योंकि आरबीसी के मैच्यूरेशन में सबसे पहले उसका नेचर कैसा होता है,
बेसिक यानी क्षारीय है सबसे पहले, और उसके बाद में क्या है, क्योंकि बेसिक इसलिए होता है क्योंकि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जब वो पूरी तरह मैच्योर हो जाती है तो उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक यानी अम्लीय। नेक्स्ट आज का जो लेक्चर है वो आपका किस पे है, एरिथ्रोपोइसिस पे यानी आरबीसी के फॉर्मेशन पे। फॉर्मेशन मीन्स बनना किसी चीज का। आपने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लिया तो एरिथ्रोपोइसिस समझ में आ जाएगा। एरिथ्रो इज ए ग्रीक वर्ड, मतलब एरिथ्रो कहाँ से लिया गया है, ग्रीक भाषा का वर्ड है, विच मीन्स रेड, यानी एरिथ्रो का मतलब क्या है, रेड यानी लाल। एंड पोइसिस मीन्स टू मेक, मतलब किसी चीज का बनना। एरिथ्रोपोइसिस की डेफिनेशन क्या होगी, आरबीसी फॉर्मेशन यानी रेड ब्लड सेल का बनना। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस, मतलब आरबीसी का जो बनना है उसी पूरे प्रोसीजर को क्या बोलते हो आप, एरिथ्रोपोइसिस, विच इज डेवलपिंग फ्रॉम एरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल टू मैच्योर सेल, मतलब कि उसका मैच्योरेशन कहां से होता है, कौन सी सेल से बनती है आरबीसी, एरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल से, यानी ऐसी सेल जो आरबीसी के मैच्यूरेशन के लिए काम में आती है, यानी बीज की तरह काम करती है, ऐसी सेल जो किसी को जीवन दे सके, स्टेम सेल। नेक्स्ट, इट इज स्टिमुलेटेड बाय डिक्रीज ऑक्सीजन इन सर्कुलेशन, मतलब आरबीसी फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, वो शुरू कब होती है, स्टिमुलेट यानी उत्प्रेरित कब होती है, कब होती है, बाय डिक्रीज ऑक्सीजन इन सर्कुलेशन, जब ह्यूमन बॉडी के कंप्लीट सर्कुलेशन में ऑक्सीजन की जो रेंज है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी ह्यूमन बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसकी नॉर्मल वैल्यू कम हो जाती है, तब क्या है, एरिथ्रोपोइसिस शुरू होती है, विच इज डिटेक्टेड बाय द किडनी, और जो उसकी ऑक्सीजन की वैल्यू कम होती है उसको डिटेक्ट कौन सा ऑर्गन करता है, किडनी, विच देन सीक्रेट द हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन, और तब किडनी का जो मेडुला पोर्शन है वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सीक्रेट करता है, जो कि क्या करती है, उसको एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करती है, यानी उत्प्रेरित करती है आरबीसी फॉर्मेशन के लिए। एक बार फिर से देखिए इसको, एरिथ्रो इज ए ग्रीक वर्ड विच मीन्स रेड एंड पोइसिस मीन्स टू मैक, मतलब एरिथ्रो क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या है, रेड यानी लाल, और पोइसिस मीन्स टू मैक यानी किसी चीज का बनना। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ रेड इज कॉल्ड, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस, यानी आरबीसी के बनने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या बोलते हो आप, एरिथ्रोपोइसिस, विच इज डेवलपिंग फ्रॉम एरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल टू मैच्योर सेल, और इस प्रोसीजर के अंदर आरबीसी एरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल से किसमें मैच्योर होती है, परिपक्व होती है, रेड ब्लड सेल में। इट इज स्टिमुलेटेड बाय डिक्रीज ऑक्सीजन इन सर्कुलेशन विच इज डिटेक्टेड बाय द किडनी, और यह जो प्रक्रिया है वो स्टिमुलेट यानी उत्प्रेरित कब होती है, कि जब ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की नॉर्मल वैल्यू कम हो जाती है, और ये डिटेक्ट कौन से ऑर्गन के द्वारा की जाती है, किडनी के द्वारा, और किडनी फिर क्या करती है, विच देन सीक्रेट द हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन, तब कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, एरिथ्रोपोइटिन, जो क्या किसको स्टिमुलेट करता है, आरबीसी फॉर्मेशन को उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट लाइन में क्या है, इन द अर्ली फीटस एरिथ्रोपोइसिस टेक प्लेस इन द मेसोडर्मल सेल ऑफ योल्क सैक, मतलब क्या है, अर्ली फीटस का मतलब क्या है, कि किसी फीमेल के अंदर अभी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है, यानी उसके अंदर अभी क्या है, वो जस्ट प्रेग्नेंट हुई, उस टाइम पे क्या है, जो आरबीसी फॉर्मेशन की प्रोसीजर है वो किसके द्वारा की जाती है, इन अर्ली फीटस यानी प्रेगनेंसी के टाइम में, फीटस मीन्स भ्रूण या एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर, बच्चे के अंदर एरिथ्रोपोइसिस टेक प्लेस इन, यानी एरिथ्रोपोइसिस कौन सी जगह होती है, इन द मेसोडर्मल सेल, यानी जो मध्यवर्गीय जो सेल्स है, आपको पता है ह्यूमन बॉडी को फॉर्मेशन के लिए तीन सेल की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो एक्टोडर्म सबसे बाहरी परत, एक मेसोडर्म
जो बीच की परत है, और लास्ट में क्या है, एंडोडर्म यानी अंदर की जो परत है। एक्टोडर्म स्किन को बनाती है, मीजोडर्म ऑर्गन को बनाती है। तो मीजोडर्म के अंदर और मीजोडर्म के योल्क सैक के अंदर क्या बनती है, आरबीसी बनती है शुरू के अंदर। और जब प्रेगनेंसी को 3 महीने हो जाते हैं, मतलब आफ्टर 3 मंथ, एरिथ्रोपोइसिस मूव्स टू द लीवर एंड सम पार्ट ऑफ स्प्लीन इज इन्वॉल्व। और जब क्या है कि उसको एरिथ्रोपोइसिस को आरबीसी, मतलब उस प्रेगनेंसी को 3 महीने हो जाते हैं, आफ्टर 3 महीने एरिथ्रोपोइसिस मूव्स टू द लीवर, यानी एरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसीजर है, मैकेनिज्म है, वो कौन से ऑर्गन ऑर्गन के द्वारा की जाती है, फिर किसमें मूव हो जाती है, लीवर में, एंड सम पार्ट ऑफ स्प्लीन इज इन्वॉल्व। और एरिथ्रोपोइसिस में कुछ पोर्शन कौन से ऑर्गन का इन्वॉल्व होता है उस टाइम पे, लीवर का या स्प्लेन का। नेक्स्ट, आफ्टर बर्थ, और जब क्या है प्रेगनेंसी पीरियड पूरा हो जाता है और एक बच्चे की क्या है बर्थ यानी जन्म हो जाता है, आफ्टर बर्थ एरिथ्रोपोइसिस अकर इन बोन मैरो। और फिर क्या है, उसके जन्म के बाद में जो आरबीसी फॉर्मेशन का प्रोसीजर है वो कौन से ऑर्गन में शुरू हो जाता है, बोन मैरो के अंदर। नेक्स्ट, जन्म के बाद 0 to 5 ईयर ऑल बोन्स मैरो इन्वॉल्व इन एरिथ्रोपोइसिस, मतलब शुरू जन्म के बाद से 5 साल तक जो आरबीसी फॉर्मेशन की जो जगह है वो क्या होती है, ह्यूमन बॉडी की, यानी उस बच्चे की कंप्लीट बोन्स के, बोन मैरो में क्या है, आरबीसी फॉर्मेशन का प्रोसीजर होता है। 5 to 20 ईयर यानी 5 से 20 साल के अंदर टीबिया एंड फीमर कंप्लीट बोन मैरो इज इन्वॉल्व इन एरिथ्रोपोइसिस। और 5 से 20 साल की उम्र में टीबिया और टीमर है, यानी जो बड़ी हड्डियां हैं ह्यूमंस की, वो क्या है उनके अंदर कंप्लीट बोन के अंदर क्या है, बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जो किसको फॉर्म करता है, आरबीसी को फॉर्म करता है, यानी एरिथ्रोपोइसिस आरबीसी फॉर्मेशन का काम करता है। नेक्स्ट, आफ्टर 20 ईयर ओनली लार्ज एज बोन मैरो इज इन्वॉल्व इन बोन मैरो, मतलब क्या है कि 20 साल के बाद में क्या है, ओनली लार्ज बोन्स का जो एज यानी किनारे हैं उनके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जो किसको किस क्या करता है, एरिथ्रोपोइसिस करता है, यानी आरबीसी फॉर्मेशन करता है। शुरू में देखिए, इन द अर्ली फिटस एरिथ्रोपोइसिस टेक प्लेस इन द मेसोडर्मल सेल ऑफ योल्क सैक, मतलब कि अभी भी प्रेग्नेंट हुई लेडी के अंदर जो फिटस है, बच्चा है या एम्ब्रियो है, उसके अंदर एरिथ्रोपोइसिस किसके द्वारा होता है, मेसोडर्मल सेल के द्वारा, योल्क सैक की। आफ्टर 3 मंथ प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद एरिथ्रोपोइसिस मूव्स टू द लीवर एंड सम पार्ट ऑफ स्प्लीन इज इन्वॉल्व। और 3 महीने बाद आरबीसी फॉर्मेशन की जो प्रोसीजर है वो लीवर और स्प्लीन के द्वारा की जाती है। और आफ्टर बर्थ एरिथ्रोपोइसिस अकर इन बोन मैरो। और जन्म के बाद आरबीसी फॉर्मेशन की जो प्रोसीजर है वो कौन से ऑर्गन में होती है, बोन मैरो के अंदर, यानी अस्थि मज्जा के अंदर। 0 to 5 ईयर ऑल बोन्स बोन मैरो इन्वॉल्व इन एरिथ्रोपोइसिस। और जब जन्म से 5 साल तक बच्चे में कंप्लीट बोन्स के अंदर, सभी बोन्स के अंदर क्या है, जो बोन मैरो प्रेजेंट रहता है वो क्या है, आरबीसी फॉर्मेशन करता है। 5 to 20 ईयर टीबिया एंड फीमर कंप्लीट बोन बोन मैरो इज इन्वॉल्व इन एरिथ्रोपोइसिस। और 5 से 20 साल तक टीबिया और फीमर की जो बोन है उन कंप्लीट बोन्स के अंदर बोन मैरो क्या करता है, एरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसीजर है उसको करता है। नेक्स्ट, आफ्टर 20 ईयर ओनली लार्ज बोन इज बोन मैरो इज इन्वॉल्व इन बोन मैरो। नेक्स्ट क्या है, इन एरिथ्रोपोइसिस, यानी 20 साल के बाद में क्या है, ओनली लार्ज बोन्स का जो बोन मैरो, उनके किनारे के अंदर जो बोन मैरो प्रेजेंट रहता है एज के अंदर, वही क्या है, एरिथ्रोपोइसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्या है, द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द एरिथ्रोपोइसिस, मतलब आरबीसी फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है उसके अंदर कौन सी स्टेप आती हैं। तो आपको पता है सबसे पहले उसके अंदर क्या है, प्रोजेनाइटर इंक्रीज होती है, प्रोजेनाइटर क्या है, उत्पन्न होती है, ठीक है। प्रोजेनाइटर किसमें कन्वर्ट होती है, सबसे पहले प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में। इट इज द अर्लिएस्ट रिकॉग्नाइजेबल सेल इन द बोन मैरो, मतलब क्या है, यह वह सेल है जो सबसे पहले उत्पन्न होती है और इसको अपन क्या है, सबसे पहले डिटेक्ट भी कर सकते हैं। और प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के बाद कौन सी स्टेप आती है आरबीसी फॉर्मेशन में, नॉर्मोब्लास्ट यानी अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के बाद में कौन सी स्टेप आती है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के बाद में कौन सी स्टेप आती है,
लेट नॉर्मोब्लास्ट, और लेट नॉर्मोब्लास्ट फिर कौन सी स्टेप में कन्वर्ट होती है, रेटिकुलोसाइट में, यानी आरबीसी मैच्यूरेशन के अंदर, प्री मैच्योर सेल, आरबीसी से पहले की जो स्टेप है वो रेटिकुलोसाइट, और फिर रेटिकुलोसाइट किस में कन्वर्ट होती है, एरिथ्रोसाइट में। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले आरबीसी फॉर्मेशन में पहले कौन सी स्टेज आती है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, जिसके अंदर न्यूक्लियस बड़ा होता है, साइटोप्लाज्म सबसे कम होता है, ठीक है। फिर क्या आती है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस शुरू हो जाती है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। फिर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, जिसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन आरबीसी सेल में एक्यूमुलेट हो जाता है, जम जाता है, न्यूक्लियस क्या है थोड़ा सा छोटा हो जाता है, साइटोप्लाज्म क्या है उसकी क्वांटिटी मात्रा बढ़ जाती है। फिर आती है लेट नॉर्मोब्लास्ट, जहां पे हीमोग्लोबिन सिंथेसिस क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, और माइटोसिस स्टॉप हो जाती है। फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट किस में कन्वर्ट होती है, रेटिकुलोसाइट में, और रेटिकुलोसाइट किस में, एरिथ्रोसाइट में। इन सभी स्टेज के अंदर सबसे पहले क्या है, नॉर्मोब्लास्ट का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 15 to 20 माइक्रोमीटर, और एरिथ्रोसाइट का कितना होता है, 7.2 माइक्रोमीटर, मतलब सेल का जो साइज है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी कम हो जाता है, और साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियस और अदर सेलुलर ऑर्गन क्या हो जाते हैं इसके अंदर, लॉस हो जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टेप्स ऑफ एरिथ्रोपोइसिस का एक डायग्राम है, जिसके अंदर आपको सभी सारे स्टेप दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले बोन मैरो के अंदर आप देखेंगे कौन सी सेल आती है, हिमोसाइटोब्लास्ट या फिर PUSC, प्लूरिपोटेंट अनकमिटेड स्टेम सेल, मतलब ऐसी सेल बोन मैरो के अंदर, स्टेम का मतलब होता है ऐसी सेल जो किसी को जन्म दे सके, स्टेम सेल अनकमिटेड का मतलब है अभी तक उसने कोई भी कमिटमेंट नहीं की कि वो प्लेटलेट बनाएगी, व्हाइट ब्लड सेल बनाएगी या आरबीसी बनाएगी। फिर PUSC एरिथ्रोपोइसिस में किसमें कन्वर्ट होती है, BFU में, यानी ब्रेस्ट फॉर्मिंग यूनिट में, जो कि क्या है, प्रोजेनाइटर सेल है, प्रोजेनाइटर का मतलब जनक सेल है आरबीसी की। फिर BFU किसमें कन्वर्ट होती है, CFU में, यानी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट में, और CFU फिर किसमें कन्वर्ट होती है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में, जिसका अप्रोक्सीमेट डायमीटर कितना होता है, 15 to 20 माइक्रोमीटर। माइटोसिस यहाँ पे क्या है, शो होती है, यानी चलती है। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन क्या होता है, एब्सेंट होता है, और साइटोप्लाज्म क्या होता है, यानी कैंटी बिल्कुल कम होता है, थोड़ा सा दिखाई देता है, और न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। यहां तक की जो प्रोसीजर है एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर आरबीसी फॉर्मेशन में, वो कितने दिन में होती है, 1 दिन के अंदर कंप्लीट होती है। फिर प्रो एरिथ्रोब्लास्ट किसमें कन्वर्ट होती है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के अंदर आरबीसी की जो डायमीटर है वो कितना होता है, 10 to 16 माइक्रोमीटर। हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, बिगन्स, यानी अपियर हो जाता है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, माइटोसिस अभी भी चल रही है, माइटोसिस शो, साइटोप्लाज्म इंक्रीज, साइटोप्लाज्म की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और न्यूक्लियस क्या है, अभी भी प्रेजेंट है। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में कितना टाइम लगता है, 1 दिन, यानी यहां तक जो है आरबीसी फॉर्मेशन में टोटल 2 दिन लगे, पहला दिन प्रो एरिथ्रोब्लास्ट तक, दूसरा अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट किसमें कन्वर्ट होती है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में, जो स्टेप कौन से दिन शुरू होती है, 3rd दिन, जिसके अंदर उसका डायमीटर कितना है, 10 to 14 माइक्रोमीटर, और हीमोग्लोबिन क्या है, एक्यूमुलेट, यानी जम जाता है उसके अंदर। सेल का नेचर कैसा हो जाता है, एसिडोफिलिक, यानी एसिडिक, यानी अम्लीय। न्यूक्लियस अभी भी प्रेजेंट है, बिकम स्मॉल, यानी पहले के कंपैरिजन में क्या हो गया, छोटा हो गया। यहां पे कितने दिन लगते हैं, 3 दिन, और इंटरमीडिएट के अंदर माइटोसिस क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। इंटरमीडिएट फिर किसमें कन्वर्ट होती है, लेट नॉर्मोब्लास्ट में, और लेट नॉर्मोब्लास्ट कितने दिन लगते हैं, 4 दिन, जिसके अंदर न्यूक्लियस क्या हो जाता है, बिल्कुल एब्सेंट हो जाता है, और साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और लेट नॉर्मोब्लास्ट फिर किस में कन्वर्ट होती है, रेटिकुलोसाइट में, जिसके अंदर कितने दिन लगते हैं, 5 to 6 दिन, यानी 2 दिन लगते हैं, 5वां और 6ठा दिन, ठीक है। और ये प्रोसीजर के अंदर रेटिकुलोसाइट 1 दिन तो कहां पे रहती है, बोन मैरो के अंदर, और 1 दिन कहां पे रहती है, ह्यूमन बॉडी के सर्कुलेशन के अंदर, जिसका डायमीटर कितना होता है, लगभग 8 to 10 माइक्रोमीटर। और रेटिकुलोसाइट फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है, आरबीसी के अंदर, जिसका नेचर कैसा है, एसिडोफिलिक, और डायमीटर कितना है, 7.2 माइक्रोमीटर।
यानी धीरे धीरे सेल का साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और ये सारी प्रोसीजर कौन सी जगह होती है एरिथ्रोपोइसिस की, बोन मैरो के अंदर। नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, तो सबसे पहले देखिए इसमें सबसे पहले है स्टेम सेल यानी हिमोसाइटोब्लास्ट, जो किसमें कन्वर्ट हो रही है, कमिटेड सेल में, यानी अभी उसने डिसाइड कर लिया कि वो किसके लिए कमिटेड है, आरबीसी फॉर्मेशन के लिए। फिर यहाँ पे क्या है, दो स्टेप और आती है बीएफयू और सीएफयू। बीएफयू सीएफयू के बाद किसमें कन्वर्ट होती है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में, और प्रो एरिथ्रोब्लास्ट फिर किसमें कन्वर्ट होती है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में, और अर्ली नॉर्मोब्लास्ट फिर किसमें कन्वर्ट होती है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में, और इंटरमीडिएट किसमें कन्वर्ट होती है, लेट नॉर्मोब्लास्ट में, और फिर क्या होता है लास्ट में, रेटिकुलोसाइट, जिसके अंदर आपको दिखाया गया नॉर्मोब्लास्ट में क्या है, लेट नॉर्मोब्लास्ट में न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है, निकल जाता है बाहर, और लास्ट में क्या है, रेटिकुलोसाइट, और रेटिकुलोसाइट फिर किसमें कन्वर्ट हो रही है, एरिथ्रोसाइट के अंदर यानी आरबीसी के अंदर। नेक्स्ट ये स्टेप देखिए, सही, सबसे पहले है स्टेम सेल, फिर वो आई कमिटेड स्टेम सेल में यानी प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में, फिर डेवलपमेंटल पाथवे यानी मैच्यूरेशन पाथवे, फेज फर्स्ट यानी राइबोसोम सिंथेसिस यानी क्या है, हिमोग्लोबिन सिंथेसिस यहाँ पे शुरू हो जाती है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, फेज टू हिमोग्लोबिन एक्यूमुलेशन यानी क्या है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, जिसके अंदर हिमोग्लोबिन एक्यूमुलेट हो जाता है, फेज थ्री क्या है, फेज थ्री के अंदर इजेक्शन ऑफ न्यूक्लियस यानी लेट नॉर्मोब्लास्ट, न्यूक्लियस क्या है, बाहर निकल जाता है, ये डेवलपमेंट की फेज है। सबसे पहले अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, जिसके अंदर न्यूक्लियस का फॉर्म, न्यूक्लियस तो सेम साइज में रहता है, और हीमोग्लोबिन सिंथेसिस शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद अर्ली नॉर्मोब्लास्ट से आगे क्या है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन एक्यूमुलेट हो जाता है, फिर है लेट नॉर्मोब्लास्ट, जिसके अंदर न्यूक्लियस बाहर निकल जाता है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाता है, और फिर क्या है लास्ट में, लेट नॉर्मोब्लास्ट से किसमें कन्वर्ट होती है, लेट नॉर्मोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट में, जिसके अंदर क्या है, उसका सेल का साइज तो क्या है, बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है, और वो उसके अंदर जो ऑर्गन्स है यानी वो सारे के सारे किसके जैसे हो जाते हैं, आरबीसी के अंदर जैसे हो जाते हैं, मैच्योर आरबीसी के जैसे, फिर उसका जैसे सेल का साइज डिक्रीज हो जाता है यानी 7.2 माइक्रोमीटर हो जाता है, तो वो किसमें मैच्योर हो जाती है, आरबीसी के अंदर यानी एरिथ्रोसाइट के अंदर। नेक्स्ट है एरिथ्रोपोइसिस डिपेंड ऑन, यानी आरबीसी फॉर्मेशन का जो प्रोसीजर है वो किस किस कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले देखा आपने हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से लेकर और जो एरिथ्रोब्लास्ट की जो प्रोसीजर है वहां तक जो आरबीसी फॉर्मेशन का प्रोसीजर है, यानी हिमोसाइटोब्लास्ट से बीएफयू में कन्वर्ट होना, बीएफयू से सीएफयू में, और सीएफयू से किसके अंदर, अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर, जहां तक का जो प्रोसीजर है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन के ऊपर, जो किसके द्वारा सिक्रिएट होता है, किडनी के द्वारा, कब, जब क्या है, ऑक्सीजन का लेवल क्या डिक्रीज हो जाता है यानी कम हो जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। और अर्ली नॉर्मोब्लास्ट से और रेटिकुलोसाइट तक का जो प्रोसीजर है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, आयरन मॉलिक्यूल के ऊपर, क्योंकि इन स्टेप के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस होता है, और हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के अंदर एक हीमोग्लोबिन में चार मॉलिक्यूल किसके होते हैं, आयरन के होते हैं। थैंक्स टू ऑल। नेक्स्ट लेक्चर में आप क्या पढ़ोगे, जो एरिथ्रोपोइसिस की जो थ्योरी है यानी मैच्यूरेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, वो सारा अपन डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।